WHG। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। दोस्तों, इस बारी की एलिमिनेशन चैम्बर 25 फरवरी को होने जा रही है। इसमें कई मैचेस होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ दो मैचेस लगभग कंफर्म हुए हैं। तो दोस्तों, इस बारी की एलिमिनेशन चैम्बर थोड़ी अलग होगी, जैसे कि आपने पिछले साल देखा था कि कैसे एलिमिनेशन चैम्बर में चेंजेस लाए गए। दोस्तों, अब एलिमिनेशन चैम्बर पहले जैसा एक्सप्लोसिव नहीं रहा है। अब एलिमिनेशन चैम्बर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, जैसे कि आपने पिछले साल देखा ही होगा कि कैसे जो अब रिंग साइड की पैडिंग होती है, अब उस पर बहुत मोटी परत बिछाई जाती है। पहले वो स्टील हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब उस पर काफी मोटी पैडिंग बिछाई जाती है, जिससे काफी ज्यादा सेफ्टी हो चुकी है, जिसके चलते पहली बार वोमन एलिमिनेशन चेंबर संभव हो पाया है दोस्तों। और अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर, इस बार का जो एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है वोमन का, उसमें जो कंटेस्टेंट फाइनल हुई है उनके नाम आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। नाया जैक्स, साशा बैंक्स, बेली, मैंडी रोज, सोनिया डेविल, जहां दोस्तों एलेक्सा ब्लिस अपना टाइटल डिफेंड करेगी इन पांचों कंटेस्टेंट के खिलाफ। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई एक चैंपियन पिक करने को कहो तो दोस्तों मैं यहां कहूंगा कि एलेक्सा ब्लिस आसानी से अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर लेंगी, क्योंकि माना जा रहा है दोस्तों कि यहां से उनकी राइवलरी स्टार्ट हो सकती है नाया जैक्स के साथ रेसलमेनिया में। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे एलिमिनेशन चैंबर मैच के ऊपर, जिसमें दोस्तों पिछली बारी की रॉ में क्वालिफिकेशन मैचेस का दौर स्टार्ट हुआ। पहली क्वालिफिकेशन में दोस्तों जॉन सीना जीते, जिसमें वो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट फिन बैलर। और जो दूसरा मैच हुआ वो हुआ दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस केन, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन ने केन को लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में हरा दिया। और जो तीसरा मैच हुआ दोस्तों वो हुआ वोकन मैट वर्सेस एलायस सैमसन, जिसमें दोस्तों ब्रे वाइट की दखलंदाजी के चलते वोकन मैट हार गए और एलायस ने अपनी जगह पक्की की। तो दोस्तों, अभी तक इन तीन रेसलर्स के नाम कंफर्म हो चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। बाकी तीन रेसलर्स की अगर आप मुझसे पूछे तो दोस्तों मेरे अनुसार इसमें सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और जेसन जॉर्डन आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट रेसलर हो सकता है वो जेसन जॉर्डन हो सकता है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अभी उन्हें नेक इंजरी आई हुई है, तो ऐसे में उन्हें रिप्लेस भी किया जा सकता है। अब रिप्लेस करने पर कौन अगला रेसलर होगा और कौन उनकी जगह लेगा, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही इसकी न्यूज आती है मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों, एक और सवाल मुझसे पूछा गया और वो था कि अंडरटेकर क्या एलिमिनेशन चेंबर में आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंडरटेकर का आना काफी मुश्किल है, लेकिन जैसा कि माना जा रहा है कि उनकी राइवलरी स्टार्ट हो सकती है जॉन सीना के साथ, तो हो सकता है कि वहां वो दखलंदाजी दे। हालांकि ये भी हो सकता है कि उनका थीम सॉन्ग सुनाई दे और लाइट्स बंद हो और जैसे तैसे जॉन सीना हार जाए, जिनसे इनकी राइवलरी स्टार्ट हो। तो दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।